शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशन पर शहडोल जिला पुलिस ने आईपीएल के सट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टा खिलाते एक युवती सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए शहडोल से पंकज राव की ये रिपोर्ट। लगातार शहडोल जिले में हो रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इसी अभियान के तहत जिले के बुडार से लेकर शहडोल तक शहडोल जिले की पुलिस ने भारी मात्रा में सट्टे के आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। बता दें कि पकड़े गए आईपीएल मैच के कारोबार में 2,88,60,000 के सट्टे का दाव लगा था। नशा कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पुलिस द्वारा क्रिकेट सट्टे की अब तक के शहडोल इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्यवाही में पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले भर के विभिन्न स्थानों से नामजद सटोरियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित हथियार भी बरामद किए हैं। जिले में क्रिकेट सटोरियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस मैथ्यू के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में जिले के लगभग सभी थाना प्रभारियों को शामिल किया गया था। पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे के कारोबार में लगे 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। खास बात तो यह है कि इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों से 25,01,055 रुपए जब्त किए हैं। साथ ही 2,88,60,000 रुपए आईपीएल सट्टे में दाव पर लगे होने की पुष्टि की है। वहीं इन सटोरियों के पास से दर्जनों मोबाइल, कैलकुलेटर, एलईडी व कट्टा कारतूस भी हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि महज एक दिन के कारोबार में शहडोल में 2,88,60,000 रुपए के सट्टा लगने के दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। शहडोल का सट्टा किंग कहे जाने वाले बंटी भाटिया उर्फ राजेश अरोरा और कोयलाचल संतराम जायसवाल भी पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ ही गया है। पुलिस ने बंटी के पास से 2,81,000 नगद और संतराम जायसवाल के पास से 3,68,225 रुपए सहित 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसके साथ ही शहडोल निवासी अभिषेक गांधी को भी बंटी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में मोहम्मद नाजिल, अजय गुप्ता, संतोष गुप्ता, मनोज मंजा उर्फ मसिया खान, जुन्नू उर्फ जुनामत खान, श्रेया गुप्ता सभी निवासी शहडोल के हैं। साथ ही श्याम खटवानी, विकास व विक्की उर्फ राजकुमार जसवानी को गिरफ्तार किया है। निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत तैयारी करके की गई है, जिसमें हमने कुल 13 आरोपियों को पकड़ा है जो क्रिकेट में आईपीएल का सट्टा चला रहे थे, और उसमें कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। और 13 आरोपियों से हमने विभिन्न इनके उपकरण, जो मोबाइल सेट, लैपटॉप, टीवी और एक ऐसी डिवाइस जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस और कई सारे मोबाइल्स का सेटअप है, इस तरह का लगभग 20 लाख के आसपास के इक्विपमेंट, और इन सब आरोपियों से 25 लाख के आसपास का 25,01,055 रुपये बांट के, और अभी तक की विवेचना में लगभग 2,88,00,000 के आसपास के हिसाब का ब्यौरा मिला है। इनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। इसमें और क्या इनके है, इनके ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता था, इन सब के संदर्भ में विवेचना की जा रही है। सर, इसमें जो खेल रहे थे जो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित तौर पर अभी ये लोग तो जो है कर रहे हैं खेल, लेकिन खेलने वालों के संदर्भ में क्या उसमें की जा सकती है कार्रवाई, वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उसका जो क्लाइंटेल बेस है उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन।